सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय ओ श्री सप्तश्लोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायने कलो विकारसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे मया तदेव स्नेहेन पम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठव छन्दः श्रीमा काली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानी नाम विशेषांसि देवी भगवती स बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षि स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखवहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्वाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगान् शेषा नवहां चितुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताय शयतां प्रयाति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्तोत्रि विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गा स्तोत्र छदनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच शरणाम प्रवक्ष्यामि शनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी विरागधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिता चिदिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती
पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकेतवहन्ती च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वात्र धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकाशश्च धारिणी कुमारी चैतकन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायिदम् प्रकटे नित्यम् दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायाम् भयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभेन्मुक्तिम् च शाश्वती कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजे त्वरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दास्यताम् जान्ति राज्यश्रमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमसूत्रेण विलिख्यजन्तम् विधिना विधिज्ञो भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावाच्यानिशामग्रे चन्द्रे सद्विषाङ्गने विलिख्यापटे स्तोत्रम् सर्ववे सम्पदाम् प्रदाम् ॐ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ट्रवछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातरो बीजम् दिगबन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बाचर्थे सप्तशतीपाठेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डयुवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्या तु कवचं पुण्यं दर्शनश्व महामुनि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
द्वितीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमासेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दैवमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्यास्ति दानूनं तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां स्वरन्ति देवेशि रक्षते तान्न संशयः प्रेतसंसातु चामुण्डा वाराही महिषासन हेन्द्रीगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासन मारेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हरं च मुसलायुधम् केटकं गोमरं चैव पशुं पाशमेव च कुन्द्रायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देवनाशाय भक्तानामभयाय च कारयन्तायुधानिथं देवानां च हिताय मे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्रायणां देवि दुष्पेषे शत्रूणां भयवर्धने राज्ञां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता रक्षणे वसु वाराहि नैत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्या मृगवाहिणी उदीच्यां वातु कौमारी ईशान्याशूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योदनी रक्ष्य धुमामूर्धि व्यवस्थिता मालादरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष्ये यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिनि कपालोकालिका रक्षे कर्णमूले तुषाङ्गरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चाम्यकला जिह्वायां च सरस्वती गन्धा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी युवकं रक्ष्य वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभक्ष्य धनोद्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकोभरी स्कन्धयो कर्गणी रक्ष्य बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डनी रक्ष्य दम्बिका चाङ्गुरीषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी कणो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी गाभोजकामणि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूजना कामिका मेढं गुरे महिषवाहिणी कत्यां भगवती रक्ष्य जारुणी विन्धवासिनी
जंघे महावरारक्षे सर्वकाम प्रदायुणे गुल्फयोरार सिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु शिरक्षे पादाधस्तलवासुणे नखान्दष्ट्वा कराले च केशांशोर्ध्वकेशुणे रोमकूपेषु कौबेरी ध्वजं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासाद्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखेन ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणिने रक्षे छायां शक्तेश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापाणो तथा व्याणम् उदाणं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणम् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रुणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभगा रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेण तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनि परमेकं न गच्छेत् जदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभः च विजयः सार्वकामिकः जङ्गं चिन्तयति कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमकुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः ते लोके तु हेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ज्ञायोनेत्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वर्षकं साग्रं मम मृत्यो विवर्जितः पश्यन्ति व्याधयः सर्वे नूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराः चेजरा चैव जलजाशोभजिताः सजा कुलजा बाला डाक्यणी शागणी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाक्यन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः पश्यन्ति दक्षिणा तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवे राज्ञस्येव वृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डिलभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचम्बुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकारणम् तावत् तिष्ठति मे दण्डां सन्ततिः पुत्रमातृगे देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोषिः हनुष्टवच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपाठारत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमो चण्डिकायै
मार्कण्डेयुवाच ॐ जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैलविद्राविभिधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्णाशी भक्तानां सुहृदि नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भचेरणि शुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि मलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरो रत्ननिभ्यश्च शरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्भे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विष्णेन संस्तुते देवि षट्शब्दभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणि बलिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दत्तदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्धवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं दरेणः स तु सप्तशती सङ्ख्या वर्मा करोति सम्बला अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अर्णोष्टवच्छन्द्रः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ शुशुधिरज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेयापत्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्रधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सौविक्षेमो आप्नोति सततम् व्याप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु जाडनादीनि भक्तूनि सकलान्नवि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्तो नौषधम् तत्र न किञ्चिद विद्यते विना जाप्येण सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मा हरः कृत्वा निमन्त्रयामादो सर्वमेव मिदम् शुभम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायातु तच्च गुप्तम् जकारतः समाप्तेन च पुण्यस्य ताम् यथा वर्णीयम् तृणाम् सोऽभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति मधुर्णाति नानथेषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्क्रियाम् विधायेण नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धा सगणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवावृतस्तस्य भयम् पापेह जायते नाममृत्युवशम् याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शरणेस्तु जप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सानकिञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यासी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र आय गिरि नन्दिनि नन्द्यतमेदिनि यश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वाकिनि ज्येष्ठो विलासिनि ज्येष्ठनुते भगवति हसिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकुबर्दिनि शैलसुते वर वर शिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शङ्कर लोषिणि किर्विषमोषणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दिन्दुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब भण प्रियवासिनि आसरते श्रीधरि शिरोमणि तुङ्गभिमालय शृङ्गणि जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गन्धिनि कैटव बन्धिनि आसरते जय जय हे मरुषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आयि शतखण्ड विखण्ड ण्डलिपातितमुण्डपटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवदोदित दुर्धर निर्धर शक्तिधृते जय
चतुर विचार गुरे नमः शिव दूत प्रमदाधिपति दुरित दुरीह दुराशय दुर्मतिदानव दूत कृतान्तनुते जय जय हे मयि चातुर मन्त्रिणि रम्यक पर्दिन शैल सुते हरि शरणागत वैर भजु हर धीर वरा भय दायि करे त्रिभुवन वासग शूल विरोधि शिरोधिक दामन शूल करे तुम तुम दामर दंग विनाद महोगरे कृत मकरे जय जय हे मयि चातुर मन्त्रिण रम्यक पर्दिन शैल सुते हरि निज अमृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोचित शोणित बीजत मस्तक शोणित बीजते शिव शिव शम्भन शम्भन तर्पित भूत विशाचरते जय जय हे मयि चातुर मन्त्रिण रम्यक पर्दिन शैल सुते रणु रणु दंकर नक्षण ङ्गुरङ्गरङ्गे जय जय हे मयि चातुर्मन्त्रिणि रम्यक पर्दिन शैल सुते जय जय जप्त जय जय शप्तवर तुलितत्परमेश्वरुदे जन जन जिन्द्रिम जिन्द्रितनो भूतिन्द्रित मोहित भूतभुदे धनि धनता धन वीरघनायक नाथ तदाख्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिन रम्यक पर्दिन शैल सुते हय सुमन 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 मनोहर कान्ति रजनी रजनी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे मयि चातुर्मन्त्रिणि रम्यक पर्दिन शैल सुते हरित महावल्लभ कल्लित मल्लित कल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक वल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते भिदकृत पल्लत मल्लसि तारुण पल्लव पल्लव सल्लरिते जय जय हे मयि चातुर्मन्त्रिणि रम्यक पर्दिन शैल सुते अविरल गण्डव गण्मद मे दुर्भक्त मदन्मद राधिपते त्रिभुवन भूषण भूत सकल विलासक चलन्तकुले अलिकुलसङ्कुल कुवल मण्डल मौलिकुलाकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक पर्दिन शैल सुते हर मुरलि रम विदित पूजित लक्ष्मिर कोकिल मञ्जुमते मिलत पुलिन्द मनोहर मुञ्जित रञ्जित शैलनि कुञ्जगते हृद गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संवृत केरितले जय जय हे मयि चातुर्मन्त्रिणि रम्यक पर्दिन शैल सुते तडि तडपि तदुकूलरुचि तयोधरक्षित चन्द्ररुचे गणतसुरासुरमौलि मरि चन्द्ररुचे कनकाचल मौलि मदोधिर निर्भर कुन्दर कुन्दकुच जय जय हे मयि चातुर्मन्त्रिणि रम्यक पर्दिन शैल सुते सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे तनुते
भक्तियों अभी अंत में कृष्ण बत्तीस बार क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी जयन्ते श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से
हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए अब सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षर का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन, बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता बाली माँ जयकारा श्री राम बाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। रक्षां से यत्रो गविशाश्च नागा यत्रार्यो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्दि मध्ये तत्र स्थिता तम परिभाषे विश्वम। देवी या राक्षस या भयंकर विश्व वाले सर्प या शत्रु या लटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तस्मुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तम परिभाषे विश्वम विश्वात्मिका धारे सीति विश्वम विश्वेश वंद्या भवती भवंती विश्वाशयाजे तवि भक्ति नम्रः। विशेषी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वह संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी ते लोकवासिनामीडे लोकानां वरदा भव। विश्व पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो वो त्रिलोक निवास पूजने परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा। बोल सच्चे दरबारी की। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्त पाए नहीं, सब देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, दैत्यों पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर कर दी है। आप जानते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता का हरण होने पर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे थे, वृक्षों से, लताओं से, नदियों से ये पूछते हुए कि पंचवटी की विपटताओ कहाँ गई मम प्रीते, ऐ रघुवर के भाग्य भेदाता मैं हारा तुम जीते, इस प्रकार सीता का पता ढूंढते हुए सीते सीते कह करके मूर्छित हो रहे थे। तभी अपनी महती नाम वीणा द्वारा गायन करते हुए नारद जी वहां पधारे, जिनका दोनों भाइयों ने आसन देख करके उनके चरण धो करके आदर सम्मान किया और उनके कहने पर स्वयं वहां बैठ गए। उस समय नारद जी भगवान राम से पूछ रहे हैं कि राम, अब साधारण मुझ की तरह शोकग्रस्त क्यों हो, मैं जानता हूँ कि
इस समय रावण सीता का हरण करके ले गया है, परंतु ऐसा करके उसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है, क्योंकि पूर्व काल में ये सीता एक मुनि की कन्या थी जिसका नाम वेदवती था, और जब वे युवावस्था में वन में तपस्या कर रही थी तभी ढीठ रावण ने इनको देखा था और अपनी पत्नी बन जाने के कहा था, परंतु उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिए थे। तब उसने रावण को श्राप देते हुए कहा था कि अगले जन्म में मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, गर्भ से जन्म ना लेकर के मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई सीता वही वेदवती है जिसको रावण एक फूल की माला समझ करके गले में डाले हुए है, यद्यपि वो नागिन की तरह है। राम सीता बड़ी धर्म प्रायण है और वो केवल आपका ही स्मरण करती हुई लंका में रह रही है। स्वयं इंद्र भगवान ने उसको कामधेनु का दूध पीने के लिए भेजा है जिसको पी करके वो भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। स्वयं मैंने देवलोक में उनको देखा था और मैं सीता की प्राप्ति के लिए आपको युक्ति बता रहा हूँ कि आप अभी जो आगामी अष्ट नवरात्र हैं इनमें आप दुर्गा माता जी विधि पूर्वक समाराधना करो, धूप दीप होम से पूजा करते हुए पितृ होम की बलि दे करके आप उनकी आराधना करो, क्योंकि पूर्व काल में स्वयं वशिष्ठ अत्रि देवगुरु बृहस्पति जी इस व्रत को कर चुके हैं। स्वयं भगवान शंकर जी ने त्रिपुर दैत्य का वध करने इस व्रत को किया था, भगवान विष्णु ने मधु दैत्य का वध करने के सुमेरु पर्वत को किया था, और इंद्र भगवान ने वित्तासुर का वध करने के लिए इस व्रत को किया था। इसलिए आप इस व्रत को करो और आशीर्वाद के रूप में आप सीता को वापस लाएंगे। राम जी कह रहे हैं वो देवी कौन है और उस व्रत का विधान क्या है। नारद जी बता रहे हैं कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से समन्न करके सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती है। वही वेद माता है, वे स्वयं वेद हैं और वही सभी दुर्गतियों का नाश करने वाली है। और आश्विन मास लगने पर एक सुंदर पीठासन बनाओ, उस पर जो है दुर्गा माता जी की प्रतिमा स्थापित करो, और फिर विधि पूर्वक उपवास पारायण रहते हुए दोनों भाई आप इस व्रत को करो। तब और नारी जी भी कह रहे हैं कि इस यज्ञ में मैं आपका आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य करने के लिए मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। आश्विन मास लगने पर राम जी ने सुंदर पीठासन बनाया, उस पर दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की और उपवास पारायण रहते हुए धूप दीप होम से पवित्र होम की बलि देते हुए दोनों भाइयों ने इस व्रत को किया। तब माता जी ने प्रसन्न होकर अष्टमी की मध्य रात्रि को दोनों भाइयों को दर्शन दिया और पर्व पर खड़े होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि राम मैं तेरे इस बात से संतुष्ट हूँ, आपके मन में जो भी अभिलषित कामना हो उसको वर के रूप में मांग लूं। मेरी प्रेरणा से देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने अज वंश में जन्म लिया, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया था, वरा रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके उसका उद्धार किया था, कश्यप रूप धारण करके मंदाचल पर्व को अपने पेट पर धारण करके समुद्र का मंत्र किया था और देवताओं का पोषण किया था, इसी प्रकार आपने वामन रूप धारण करके देवताओं की सहायता की थी, और फिर यमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में आपने सारी जो पृथ्वी क्षत्रियों से छीन करके ब्राह्मण को दान दे दी थी, और अभी देवताओं के प्रार्थना करने पर जो आप मेरी प्रेरणा से अजवंश जन्म ले रहे हैं और आप रावण का वध करेंगे, ये सभी जो वानर हैं ये देवताओं का अंश हैं, ये आपकी सहायता करेंगे, स्वयं आपके छोटे भाई लक्ष्मण जो शेषनाग का अंश है ये मेघनाथ का वध करेंगे। तब आप रावण का वध करके 11,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करके पुनः देवलोक को प्रस्तुत होंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद दे के माता जी अंतर्धान हो गई हैं और राम जी ने बीजा पूजन करके जो सेतु बानों की सहायता से बांधा और लंका में जाकर के परिवार से रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं स्वयं अवतार या घोर संकट पड़ जाते हैं, भेज जाओ कष्ट में इन माता की आराधना करते हैं, तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करने चाहिए, विशेष रूप से कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एक पुण्यकर्मी है जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य और ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है जिसपे आप स्नान करते हैं जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज सूरज चंद्रमा बटुकता प्रहलाद जी और सातवें महाराज का वरद हस्त प्राकृत रूप से विराजमान है और सामने शंकर भगवान शिव रूप में विराजमान। इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है।
जिसमें ऐंग के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीम के चरण से धन ऐश मिलता है, क्लीम के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस इनवार मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्ति तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे। 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 सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा हो सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रतिष्ठान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीर्ष पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचिया ज्योता माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भीतर में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपनी मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार। मां मैनू अपना दीवाना बना दे, वो मैनू अपना दीवाना बना दे। नी तेरा केड़ा मुल लगदा, नी तेरा केड़ा मुल लगदा, नी तेरा केड़ा मुल लगदा। हाथ ऊपर डाल माता में हाजिर देंगे और वो क्या बोलेंगे मिलकर जय माता। जग दिया रौनक फिरा मैं कल्ला मां, फिरा मैं कल्ला मां, फिरा मैं कल्ला मां। लोकी ने सियाने मैनू आख दिन चला मां, लोकी ने सियाने मैनू आख दिन चला मां, आख दिन चला मां, आख दिन चला मां, आख दिन चला मां, आख दिन चला मां। मैनू जग नालों बखरा बना दे, मैनू जग
ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਲੱਗਦਾ
ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਮੂਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨੋ ਕੀ ਬਸ ਧੂਲ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ बस धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी किस्मत ही बदल जाए सच कहता हूँ किस्मत ही बदल जाए हम मैया तेरे चरणों की ਬਸ
मेरा कल्याण
दिन जहो मेरा तेरे बिन लगे धन जी मेरे घर आवाना मेरा तेरे बिन लगे धन जी मेरे घर आवाना कल्याण लगे धन जी मेरे घर आवाना मेरा कल्याण लगे धन जी मेरे घर आवाना गोट रोटियां मजूरियां बनानियां गोट गोट रोटियां मजूरियां बनानियां गोट गोट रोटियां मजूरियां बनानियां पामा देसी की बिजी पामा देसी की मेरे घर आ माता पामा देसी की मेरे घर आ माता बिच पामा देसी की मेरे घर आ तेरे बिना लग धन जी मेरे घर आ माता कल्याणी लग धन जी मेरे घर आ माता मेरा कल्याणी लग धन जी मेरे घर आ माता जम्मू शहर तुम गवां मगनिया मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता गोर गोर पूजिया में दई जवानियां गोर गोर पूजिया में दई जवानियां गोर गोर पूजिया में दई जवानियां हां गोर गोर पूजिया में दई जवानियां मैं रिड़का तू पी हाय मैं रिड़का तू पी मेरे घर आ माता माता
दरिया माता तेरे बिन लगदा न जी मेरे दरिया माता मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे दरिया माता मेरा कल्याण लगदा जी मेरे दरिया माता मेरा कल्याण लगदा जी मेरे दरिया माता कल्याणी लगदा जी मेरे घर आवा तेरे बिन लगदा जी मेरे घर आवा तेरे बिन लगदा जी मेरे घर आवा कल्याणी लगदा जी मेरे घर ओ मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आवा जय कर श्री राम जी और सच्चे दरबार की जय एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जयकारा शेरा वाली दा बोल सत्य दरबार की ओ मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये ओ मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये ओ मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये तेरे जदों जदों भी आइए जदों जदों भी आइए हाँ सर्वो सोने मंदिर तेरे जदों जदों भी आइए जदों जदों भी आइए जदों जदों भी आइए नाल मुरादा पल्ले परिए नाल मुरादा पल्ले परिए नाल मुरादा पल्ले परिए नाल मुरादा पल्ले परिए कदे न खाली चाहिए मौज तेरी माये नी मौज तेरी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये मौज तेरी नी माये नी मौज तेरी नी माये असी मंगते तेरे मंगनो ना शर्माइए मंगनो ना शर्माइए मंगनो ना शर्माइए तू दाती असी मंगते तेरे मंगनो ना शर्माइए मंगनो ना शर्माइए मंगनो ना शर्माइए ओ तेरे परे भंडारा विचो परे भंडारा विचो तेरे परे भंडारा विचो परे भंडारा विचो जो मंगया सो पाइए मौज तेरी माइए मौज तेरी नी माइए मौज तेरी नी माइए नी मौज तेरी नी माइए मौज तेरी नी माइए मौज तेरी नी माइए ओ मौज तेरी नी माइए नी मौज तेरी नी माइए मौज तेरी नी माइए मौज तेरी नी माइए मौज तेरी नी
ਆਈਏ ਨੀ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਭਾਗ ਜਗਾਉਂਦੀ ਜੇ ਕਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਭਾਗ ਜਗਾਉਂਦੀ ਜੇ ਕਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਗੋਦੀ ਵਾਲ ਕਿਵਾਈਏ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਮੱਥੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਫੇਰ ਮੱਥੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਦਾਦੀ ਫੇਰ ਮੱਥੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਉਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਮੱਥੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਫੇਰ ਮੱਥੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਫੇਰ ਮੱਥੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਈਆ ਚੜਕੇ ਤਬ ਸਾਗਰ ਪਰ ਜਾਈਏ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਨੀ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਨੀ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਉਹ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਨੀ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ ਮਾਈਏ ਨੀ ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਨੀ
शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 20 प्रविष्ट है। कृष्ण पक्ष आज चतुर्दशी तिथि है। शुक्रवार तदनुसार 3 मई सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज चतुर्दशी के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृ भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर्भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानाम उदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं छत्समत्सं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त यहाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पे सभी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय Go, man.
Yeah, yeah, yeah.
श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे, मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे, मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के फंदे, मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के फंदे। Bhavani Charan Aagaya Hoon।
सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, दलमिल बोलो जय माता दी, भवे मिलो जय माता दी, राधा बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप गांधी जय माता दी, कसुम गांधी जय माता दी, मेरा गांधी जय माता दी, दुनिया बदना जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, बोला याने जय माता दी, गांधी जय माता दी, वीर दी जय माता दी, लाल दी जय माता दी, बाणे सुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी बोलो ताली बजा के जय माता दी, जोता वाले जय माता दी, लाटा वाले जय माता दी, ढोलिया वाले जय माता दी, दुनिया वाले जय माता दी, दुनिया वाले जय माता दी, पहाड़ा वाले जय माता दी, मथुरा वाले जय माता दी, घटिया वाले जय माता दी, घटिया वाले जय माता दी, द्वारा वाले जय माता दी, भवना वाले जय माता दी, शेरा वाले जय माता दी, गुफा वाले जय माता दी, हाथ वाणी जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, हिंडी रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, महाकाली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गढ़ द्वारी जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोला याने जय माता दी, गरीबा जय माता दी, हंस द्वारी जय माता दी, विद्या देवी जय माता दी, ज्ञान देवी जय माता दी, बुद्धि देवी जय माता दी, भक्ति देवी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जय अम्बे, 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 बच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय राज गणेश, तृतीय चमरा शारदा, हे कार्य करो हमेश, जय माँ आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया चो सतगरी जो सरना दा ज्ञान, जय माँ। Thank you.
खड़गं चक्रेषु दातुमेघाञ्जूलं वशुण्डिं शिरा शङ्खं चन्दनलिङ्गैतिगणां सर्वाङ्गभूषाभिरां नीलाश्मदुरिमाशपादशकां देवे महाकालिकां ध्यानस्तोत्रविदेहलोकमजो अन्तं मधुकेतवम् अक्षाचक्परशं गलेषु पुरुषम् ष्कुण्डिका घण्टं शक्तिमशिन्द्रधर्मजलजं घण्टासुरावाजनं चूलं वाजसुदर्शने ददर्भे हस्ते प्रसन्नायनां सेवे देवहर्षणे घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं गणुसायकम् अष्टाचेतसिंहणान्तविलस श्वेता च तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महापूर्वामस्तु सरस्वती मनुमदे शुम्भादिजत्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या देवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव साकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिविज्ञानगङ्गं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवमनोहरनारायणं कृष्णामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावयं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मनुजयदवारे गोविन्द गोपाल माधवन्दे शरणं ब्रजे विद्या ब्रजे भगवन्नमस्ते सत्या ज्योता माली माता तेरी पञ्चकोटा रानी माता तेरी सर्वदा बला चरण वाली माता तेरी सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी राज का मात करने वाली माता तेरी सरा भी ठाग तेरी बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का विराट हो विश्व का विराट हो विश्व का विराट हो भारतवर्ष भारतवर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा श्री जय की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय वंदे हे सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शरणवालिता। श्रीमंदम चंदम नेत्र शिशेषंदम
ओम कदम शेरपति दिव्यम भंसा में दिव्यम चंद्रमंदे रोकी तो रोई मैं तू नहीं रोकी मैं देवी दुर्गे देवी नमस्ते भगवान श्री चॉकलेट ओम जयंती मंगलाकांत जान कानी बाबा ओम जयंती बाबा गोरी नमस्ते चलो करो हेलो 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 ग्रेट साहब आशीर्वाद देना ठीक है आशीर्वाद देना जोर जोर से जोर जोर से दो दफ्ती दो जोर जोर से दो जोर जोर से जोर जोर से दो ना नमस्ते 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 नमो नमः